दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 86.9 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है। इतना ही टेम्परेचर हमेशा होना चाहिए और ये दिन पर दिन नीचे जाएगा। अभी अंकल अंकल करो तुम, ये देखो तुरंत 87 हो गया। ये मेरे इसका सेल थोड़ा डाउन हो गया था, इसलिए दूसरा सेल लगाया गया अभी। अब इसको बीच में लगाएंगे। अब लड़के लोग इधर दौड़ाते रहना, ठीक है, दौड़ाते रहना, रुकने मत देना बच्चों को, आराम से। दोस्तों नमस्कार, मैं जय कुमार वर्मा, SC&ABC। आज दोस्तों बर्ड का सेकंड डे है और दूसरे दिन क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, बर्ड को कितना आराम देना है, किस हिसाब से बर्ड को चलाना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए सेकेंड डे में, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि जो फीडिंग मैनेजमेंट है इस टाइम का, जैसे कि पेपर आपका लगभग ख़त्म हो चुका है, तो पेपर वैसे भी अभी निकाल दिया जाएगा शाम तक, लेकिन इसमें जैसे कि गड़बड़ लग गया है दोस्तों, ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है फीडर और ड्रिंकर लगाने का, क्योंकि ये लाइन में है नहीं कोई भी चीज़, तो लाइन में होना चाहिए एक फीडर एक ड्रिंकर, एक फीडर एक ड्रिंकर, इस हिसाब से लगाना चाहिए। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ फार्म पे अपने, और काफ़ी समय हो चुका है बर्ड का जो डिब्बा है इसमें पानी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब इनको क्या किया जाएगा कि नीरी दी जाएगी, नीरी चलाई जाएगी, या जिसके पास कोई और भी है किडनी फ्रेशर तो वो लगा सकता है, पर हमारे यहाँ क्या है दोस्तों कि नीरी लगाते हैं और नीरी का रिस्पांस बहुत ही बेहतर होता है। मैंने काफ़ी दिनों से मैं नीरी पे भरोसा करता हूँ और नीरी को ही चलाता हूँ बर्ड में दोस्तों। इसके बाद शाम के टाइम जब शाम का पानी होगा, उस पानी में बर्ड को आज से ही एंटीबायोटिक दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हैं सगुना के बर्ड और सगुना के बर्ड को एंटीबायोटिक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इनको एंटीबायोटिक दी जाएगी। दोस्तों आपको मैं बाहर से अभी दिखाने जाता हूँ अगर, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपको, पर दोस्तों आपको पर्दा एकदम से बंद रखना है, कहीं से भी ज़रा सा हवा आने का जुगाड़ ना रहे, इतना एकदम सटा के पूरा पर्दे को बंद रखना है। और टेम्परेचर जो है हमेशा आपको 85 के प्लस में रखना है, या उससे थोड़ा डाउन भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मान लीजिए कि एक दो पॉइंट नीचे हो जाए या एक दो पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि अभी 85 है, 85 अपनों को लग रहा है, तो वो अगर 83 भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ऊपर में 90 तक चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टेम्परेचर कंटिन्यू आपके फार्म में होना ही चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों आपको फीडिंग करवानी है अच्छे से, मतलब कि दाना और पानी ये दोनों को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको बर्ड को दाना और पानी देना है, नीरी लगा देना है दोस्तों। और इसके बाद में जब अगली सुबह होगी दोस्तों, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, सुबह के टाइम अगर आप मान लीजिए कि शाम के टाइम में एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो सुबह के टाइम में आपको नहीं देना है, और एंटीबायोटिक का जो भी डोज है दोस्तों वो एकदम एक्चुअल देना है आपको, जितने बर्ड हैं उस एंटीबायोटिक के का जो भी मतलब उसमें दिया जाता है कि चिक्स हैं तो इसको इतना देना है, उसके हिसाब से आप एकदम नाप के देंगे, क्योंकि बर्ड छोटे होते हैं, कभी भी अगर आपने उसको ऐसे ही अंदाजन आपको काम नहीं करना है, वरना क्या होगा कि दिक्कतें हो जाएंगी, अगर डोज बर्ड को ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कतें हो जाएंगी दोस्तों, तो उस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसको अगर हो सके मान लीजिए पाउडर फॉर्म में है तो उसको वज़न आप किसी छोटे से जो इलेक्ट्रिक कांटे होते हैं उस पर रख के आप वज़न कर लें,
और उतने एक कोई ढक्कन से एक नाप बना लें, उस नाप के द्वारा ही डालें उसमें। नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि आपको आइडिया ऐसे नहीं लग पाएगा, और एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा बर्ड को। फिर दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपके बर्ड में थोड़ा सा मान लीजिए कहीं बैठ रहा है बर्ड, तो उसको ये नहीं है कि पूरी रात के रात दौड़ाते रहो। बर्ड को थोड़ा सा आराम भी देना है, जैसे कि मान लीजिए उसने दाना खाया है, बर्ड ने दाना खाया है, अभी जाके वो सो रहा है। हाँ, ध्यान आपको वहाँ पे रखना है कि जब बर्ड ऊपर नीचे ना हो। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि बर्ड ऊपर नीचे हो रहे हैं तो वहाँ पे आपके बर्ड को दिक्कतें हो सकती हैं। पर अगर बर्ड ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, चढ़ नहीं रहे हैं, वो ऐसा सिचुएशन तभी आएगा दोस्तों जब आपके फार्म में बाहर से हवा आएगी, वरना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी दोस्त चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर किसी भाई को पोल्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो मेरे नंबर 8400-3275-12, 8400-3275-12 इस नंबर पे कॉल कर सकता है और मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकता है। पोल्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर लेनी है आपको तो मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अब फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।